नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से बता रहा था कि जावा हैश सेट, जावा हैश मैप, जावा लिंक लिस्ट के बारे में, तो उसी प्रकार से जो है जावा इटरेटर होता है। दोस्तों, जावा इटरेटर क्या होता है? एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू लूप थ्रू कलेक्शन। जावा इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है दैट कैन बी यूज टू लूप थ्रू कलेक्शन, एक कलेक्शन के थ्रू जो है लूप करने में यूज होता है, लाइक अरे लिस्ट एंड हैश सेट, यानी कि अरे लिस्ट की तरह और हैश सेट की तरह। इट इज़ कॉल्ड एन इटरेटर बिकॉज इटरेटिंग इज द टेक्निकल टर्म फॉर लूपिंग। इटरेटिंग क्या होता है? एक टेक्निकल टर्म होता है लूपिंग के लिए। टू यूज़ एन इटरेटर यू मस्ट इम्पोर्ट इट फ्रॉम द जावा यूटिल पैकेज। अगर जो हमको इसको यूज करना है दोस्तों, तो जावा यूटिल पैकेज को जो है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। गेटिंग एन इटरेटर, किसी तरह से जैसे इटरेटर हमको कैसे करना है, मान लीजिए लिस्ट है आपका, अरे लिस्ट है, हैश सेट है, वो जो एक मेथड होता है इटरेटर, एक मेथड होता है जिससे जो है हम पूरे उसको इटरेट कर देते हैं। तो गेटिंग एन इटरेटर, द इटरेटर ये फंक्शन मेथड दिया गया है, कैन बी यूज टू गेट एन इटरेटर फॉर एनी कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन का। तो दोस्तों, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इम्पोर्ट जावा यूटिल अरे लिस्ट को इम्पोर्ट किया गया है, इटरेटर को इम्पोर्ट किया गया है। उसके बाद जो मेन मेथड जो है, मेन मेथड के अंदर जो है अरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का है कार, यहाँ पे कार टाइप का जो है एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद जो है कार डॉट एट वोल्वो, कार डॉट एट BMW, कार डॉट एट फोर्ड, कार डॉट एट माजदा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है अरे लिस्ट क्या है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। अब अरे लिस्ट में जो है हमने स्ट्रिंग को इसमें ऐड कर दिया गया है। अब इसका जो है हम इटरेटर को गेट करेंगे। इटरेटर क्या है, किस टाइप का है, पहले इटरेटर का बना लेंगे। इटरेटर जो है मेरा क्या, स्ट्रिंग टाइप का है दोस्तों। तो इटरेटर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। इट बराबर कार्स, कार्स क्या है, हमारा अरे लिस्ट है, स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद जो है डॉट इटरेटर फंक्शन, यानी कि उसके अंदर जो है इटरेटर जो है आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है सिस्टम आउट प्रिंट एलन इटरेटर नेक्स्ट। अब दोस्तों, इसको जो है हम इटरेटर नेक्स्ट करके जो है यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं दोस्तों। तो इसको रन कराने के लिए दोस्तों, चलिए हम इसको रन कराते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हम इसका क्लास जो है हम इसको रन कराते हैं इक्लिप्स में रख करके। तो दोस्तों, इस कोड को जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कोड को मैंने रख दिया है, अरे लिस्ट कार का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वोल्वो BMW सब जो है हमने स्ट्रिंग को इसमें ऐड कर दिया दोस्तों। उसके बाद इटरेटर बना लिया दोस्तों। अब इटरेटर में जो है ये इटरेट कर दिया, कार का एक इटरेशन बना लिया अपने अंदर, एक लूप बना लिया। अब जो है सिस्टम आउटर प्लेन इट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इटरेटर का जो हमने लूप बनाया है। अब इटरेटर डॉट नेक्स्ट, तो इटरेटर का नेक्स्ट जो है जितना भी एलिमेंट इसमें है तो प्रिंट हो गए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रन कराते हैं, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इटरेटर का जो है हमने जो लूप का जो है हमें चलाया है उसमें क्या है, पहला इटरेटर डॉट नेक्स्ट, यानी कि उसका नेक्स्ट वैल्यू जो है इटरेट करने के बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू क्या आता है, पहला वैल्यू वोल्वो आता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला वैल्यू वोल्वो आ गया दोस्तों। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है अब इसको लूप में, अगर जो हमको पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है तो इसको लूप में रखना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा एक। तो लूपिंग थ्रो एंड कलेक्शन, यानी लूपिंग थ्रो एंड कलेक्शन, लूपिंग थ्रो ए कलेक्शन, यानी कि इसको हम लूप के थ्रू जो चलाएंगे तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। टू लूप थ्रो ए कलेक्शन यूज द नेक्स्ट हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट मेथड आर इटरेटर। इसमें हैज नेक्स्ट है तो नेक्स्ट होगा, तो इस प्रकार से जो है एक लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए सिंपल सा हमें व्हाइल लूप चलाना है, इट हैज नेक्स्ट, अगर जो यह नेक्स्ट है तो क्या है, नेक्स्ट को प्रिंट करें। इट हैज नेक्स्ट, अगर जो यह ट्रू है, यानी कि यह ट्रू है तो क्या है, प्रिंट करें नेक्स्ट को। तो दोस्तों, क्या करना है हमको, प्रिंट ना करवा के डायरेक्ट इसको लूप के थ्रू हमें करना है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको जो है एक लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, आप देखिए, अब पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, हमको एक लूप चलाना है, व्हाइल लूप चला दिए दोस्तों। तो जैसा कि हम इसको रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है दोस्तों, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, माजदा, ये चारों जो है दोस्तों आ गए हैं। क्योंकि इसमें आपको समझा दें पहले क्या होता है व्हाइल, ये लूप चल रहा है। इट इट क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया उस नाम से, डार्ट हैज नेक्स्ट, यानी कि क्या इट नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हैज नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट एलिमेंट है, अगर जो है तो प्रिंट करे नेक्स्ट। उसके बाद जो है क्या पहुंच गया फर्स्ट पे, पहले जीरो पे था, इंडेक्स जीरो पे था पहले, उसके बाद क्या है अब सॉरी -1 पे था, मतलब लूप जो है -1 पे, मान लीजिए कि हमारा वोल्वो पे ना होकर के एकदम निगेटिव था। तो यहाँ पे जो अगर जो हम इट हैज नेक्स्ट है तो नेक्स्ट को प्रिंट करें, तो नेक्स्ट प्रिंट किया, उसके बाद क्या हुआ व्हाइल नेक्स्ट, यानी व्हाइल हैज नेक्स्ट, जब तक वह नेक्स्ट रखता है एलिमेंट तब तक क्या वह प्रिंट करेगा, जब तक एलिमेंट जो नेक्स्ट है उसके पास तब तक वह लूप चलता रहेगा जब तक इट हैज नेक्स्ट, यानी एक ट्रू फॉल्स होता है ये स्टेटमेंट, यानी कि जब ये जब तक ट्रू रहेगा, जब तक उसके पास एलिमेंट है तब तक वह क्या करता रहेगा, लूप चलता रहेगा और नेक्स्ट को प्रिंट करता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इटरेटर काम करता है दोस्तों। और क्या है इटरेटर में दोस्तों, देखते हैं। अब सिंपल सा वही है, ऐड कलेक्शन, ऐड जो है ऐड करना, रिमूव करना आइटम को, इस प्रकार से रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम ए कलेक्शन, रिमूविंग आइटम फ्रॉम ए कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन से हमें को कैसे आइटम को रिमूव करना है। इटरेटर्स आर डिजाइंड टू इजीली चेंज द कलेक्शन दैट दे लूप थ्रू द रिमूव, आप इसमें लूप के थ्रू आप रिमूव भी कर सकते हैं, लूप चला रहे हैं आप कुछ भी करके, ये है तो रिमूव, नहीं है तो ऐड, इस प्रकार से कुछ भी आप कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, यूज एन इटरेटर टू रिमूव नंबर्स लेस देन 10 फ्रॉम कलेक्शन, यूज एन इटरेटर टू रिमूव नंबर्स लेस देन 10, जो 10 से कम नंबर है उसको क्या करें, रिमूव कर दे दोस्तों। यानी क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं सिंपल सा ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, इसको जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इटरेटर और अरे लिस्ट यहाँ पे है। अब आपको जो है मैं डायरेक्ट यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से जो है डायरेक्ट आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। देखिए इटरेटर अरे लिस्ट का इंटीजर इंटीजर टाइप का बना लिया गया है, एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया है, नंबर को 12, 8, 2, 23 ऐड कर दिया गया है। अब इटरेटर इंटीजर का ही बना लिए हैं इट, उसके बाद व्हाइल इट हैज नेक्स्ट, जब तक इट हैज नेक्स्ट तब तक अब हमको करना क्या है उस इट कलेक्शन के ऊपर, हम तो इट लूप चला दिए लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको दोस्तों सिंपल सा करना क्या है, जो भी इंटीजर 10 से कम है उसको रिमूव कर देना है उस इटरेटर से, यही करना है इसमें। तो अब यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर क्या किए, इंटीजर जो है आई एक क्रिएट कर लिए है इट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो जिस पर पॉइंटर है, जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट टाइम में है जिस पे, उसका हम लूप उसका जो है हम एक बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब चेक करना कि आई क्या है, इफ आई लेस देन 10, अगर जो आई 10 से कम है तो इट रिमूव, यानी उसको रिमूव कर दे उस फंक्शन रिमूव फंक्शन लगा करके, नहीं तो कुछ ना करे। उसके बाद लास्ट में हम नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं, यानी उस लूप के अंदर जो है चल रहा है, देखिए लूप के अंदर जो चल रहा है, हम आपको नंबर भी पहले भी हम दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर्स के अंदर जो है जितने भी अरे इसमें हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो अब इसको सिंपल सा हम रन करवा लेते हैं तब समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसा कि अब नंबर्स को हम प्रिंट करवा लें, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12, 8, 2, 23 है, अब यहाँ पे 8, 10 से कम है रिमूव हो गया है, 2, 10 से कम है रिमूव हो गया और 12, 8 बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर जो ऐसा ना करके हम यहाँ पे पहले प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारा पहले फर्स्ट टाइम मेरा नंबर कितना था, फर्स्ट टाइम जो है हमारा इट अरे लिस्ट में क्या नंबर था, तो दोस्तों उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, फिर से इसको एक बार रन करवा देते हैं तो उसको डायरेक्ट समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है। देखिए पहले हमारा 12, 8, 2, 23 था नंबर दोस्तों, उसके बाद जो है रिमूव होकर के जो है 12 और 23 यहाँ पे बच गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम इटरेटर को इटरेटर के अंदर जो है हम कलेक्शन में हम रिमूव कर सकते हैं और कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल रिमूव कर सकते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।